शरों के भाग में रहती है लाचारी, भूख गरीबी मजबूरी आंसू और बीमारी धड़क धीमा रे, धड़क धीमा रे। निरक्षरों के जीवन में होता है अंधेरा, रहता है उनके आंगन में दुखों का डेरा। धड़क धीमा रे, ओ धड़क धीमा रे। कलेक्टर सुंदरलाल का सम्मान करते हैं, पत्रकार सुंदरलाल का इंटरव्यू लेता है। वहाँ साक्षरता का टीवी कार्यक्रम देखकर उसने गांव वालों को पढ़ाने की ठान ली। सबसे पहले वो खेमू काका और भिकू काका के पास गया और कांता और रामुड़ी को भी इस उम्र में पढ़ने में शर्म आती थी। वो निराश हो गया। बुरा गुंगा ने उसको आश्वासन दिया। बाद में जेवला बुरले ने सुंदरलाल को बताया कि महाजन कांता और रामुड़ी के हिसाब में घोटाला करता रहता है। ये जानकर सुंदर दोनों से मिलकर फिर से उनको पढ़ाई का महत्व समझाता है और आखिर दोनों मान गए। छुप छुप कर दोनों की पढ़ाई शुरू हो गई। सुंदर ने अपनी दोस्त कमली को भी इसी तरह पढ़ाना शुरू किया। इसी बीच जेवला बुरली लोगों में फैले अंधविश्वास के बारे में सुंदर को खबर करते हैं और सुंदर फतिया को अंधविश्वास का रास्ता छोड़कर मंगूड़ी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए समझाता है। फतिया सुंदर की बात को टालते हुए मंगूड़ी को बड़वे के पास ले चलता है। यहाँ सुंदर आकर बीमारी के बारे में समझाने की कोशिश करता है। तब बड़वा सुंदर का अपमान करके सुंदर को निकाल देता है। एक बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, अगर तेरी बात है तो जरूर मानूंगी। अच्छा अच्छा, बता क्या बात है। अगर सुंदरलाल की जगह कोई और होता तो हार कर इस काम को अधूरा छोड़ देता। तो बिल्कुल ठीक कहता है। आदमी अगर हिम्मत ना हारे ना तो एक ना एक दिन मंजिल उसे जरूर मिल जाती है, और सुंदरलाल ने भी यही किया। सुंदरलाल की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी कोई कहने की बात है। तो फिर ओ अगर राही रास्ते में लाखों तूफान, तू कर ले हिम्मत तो हर मुश्किल होगी आसान। खोलो आँख और कान, लगाओ ध्यान, मजे की है ये कहानी। डूम झमक डूम डूम झमक डूम डूम धड़क दिमागे। अरे पारो, हाँ खेमू का खेत यही है ना? हाँ यही है। चंदू तेरे को पता है ना कि इस खेत में कोई है तो नहीं? अरे हाँ हाँ, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, खेमू उसे घर पे ही है। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल गया? अरे ते बुरा, तेरी जीवन मैं नहीं समझ सकता। क्या बात है? अरे लकड़ी दे रहा और बे बे कर रहा। देख ये लकड़ी में क्या क्या वो क्या मान चिड़िया तेरे खेत की तरफ गया है। ये अक्षर तो कांता के हैं। क्या है इस लकड़ी में? अरे वो हीरिया है कि नहीं? वो अपने खेत की तरफ गया है। वो हीरा बदमाश चोर? हाँ हाँ वही हीरिया। पर ये बात तो किसने बताई? अरे इस लकड़ी ने। क्या कहा?
किस लकड़ी ने? क्या लकड़ी बोलती है? हाँ हाँ बोलती है। अरे पर मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अरे अब ये सब छोड़ो और जल्दी चलो खेत की तरफ। हाँ हाँ चलो चलो तुम लोग आगे में तुम्हारा ही रास्ता देख रहे। क्या बात है गानी का? कहाँ है वो हीरिया? कहाँ है? इसके दो साथियों के साथ उसको तेरे खेत में जाते देखा है? फिर तो वो जरूर चोरी करने का। अरे चलो 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 अगर आज हाथ लग जाते तो मैं उनकी नाली याद दिला देता। ये तो अच्छा हुआ कि हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो बदमाश सारी फसल ले जाते। हाँ कांता तो बिल्कुल ठीक कहती है, मगर मगर एक बात समझ में नहीं आई मुझे। कौन सी बात? यही कि जो तुमने गूंगा भूरा के साथ लकड़ी पहुंचाई थी। हाँ वो खबर तो मैंने भूरा हाथ पहुँचाई थी, मगर भूरा तो गूंगा है। हाँ इसीलिए मैंने बोलने वाली लकड़ी भेजी। अरे लकड़ी भी कभी बोलती है क्या? हाँ लकड़ी बोलती है, मगर इसकी आवाज मेरे को क्यों नहीं सुनाई दी? इसकी बात कानों से नहीं आँखों से सुनाई देती है। आँखों से? वो कैसे भला? हाँ हर लिखा हुआ अक्षर बोलता है, आँखों से पढ़ो तो सुनाई देता है। इसके लिए पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। का मतलब हमको गवार समझते हो ना? क्या मतलब है तेरा? यही कि हम दोनों को पढ़ना लिखना आता है। तुम दोनों को पढ़ना लिखना सिखाया किसने? सुंदरलाल ने। हम दोनों को सुंदरलाल ने पढ़ना लिखना सिखाया। अच्छा सुंदरलाल ने, अरे वाह ये तो गजब हो गया। तुम दोनों पढ़ लिख कर मुझसे आगे निकल गए और मैं रह गया गंवार का गंवार। देखा जेवला अक्षर देव का चमत्कार, गूंगी लकड़ी भी बोलने लगी। हाँ तो जादू लकड़ी कहना चाहिए। विद्या जिसके पास हो ना वो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। तेरी तरह? तूने ऐसा क्या किया है? देख मुझे बोलना नहीं आता फिर भी मैं बोलता, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये चमत्कार नहीं ये तो मूर्खता है। मैं मूर्ख हूँ? जा मैं तुझसे बात नहीं करता। अरे अरे तू तो नाराज हो गया। अच्छा मेरी भूल हुई, अब मान भी जा। ऐसा थोड़े मानूंगा। तो फिर कैसे मानेगा? पहले कुछ सुना। ठीक है धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़क दी मारे चढ़ना सीखो। अरे सुना आपने? ऊंचाई पर चढ़ना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो। ला 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 सुनो। औरों की अब आस छोड़ो, अपनी किस्मत आप ही बदलो। सुस्ती छोड़ो उठो जल्दी, सुस्ती छोड़ो उठो जल्दी। अरे सुनो सुनो।
जल्दी अब तुम फौरन पढ़ लो लिख लो ला 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 ला। कहाँ लगा दी? लड़का बुखार से कितना तप रहा है। ये ले पुड़िया, एक सुबह और एक शाम को, और इसी में गोली भी है, एक सुबह एक शाम को और एक दोपहर में, और ये दवाई धत तेरी की। डॉक्टर ने तो मेरे को बताया था कि ये दवाई कब देनी है कैसे देनी है, मैं तो भूल गया। दिन में दो बार दारू पीना नहीं भूलता, आज भी दिन में पी ली है क्या? मैं तो तेरे दारू खोरी से नशा खोरी से परेशान हो गई हूँ। अब मुंह लटकाई कहाँ चला? रुक, ला वो डॉक्टर ने दवाई की पर्ची लिखी नहीं, वो दिखा जरा। एक चम्मच सुबह पानी के साथ और एक चम्मच दोपहर में। ये पर्ची बोलती का? अरे पर्ची नहीं, अक्षर बोलते हैं। हाँ हाँ, अक्षर बोलते हैं। बड़ी जादूगरी है इन अक्षरों में। पहले लकड़ी बोली और अब पर्ची। राम राम भाभी। राम राम खेमू। राम राम सुंदरलाल। राम राम खेमू काका, आओ बैठो। हाँ, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है, पर वो क्या है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। घबराओ नहीं काका, कहो क्या बात है। वो क्या है कि तेरी काकी को पढ़ना लिखना आ गया है और अब मुझे बहुत शर्म आती है। अरे काका, इसमें शर्म कैसी? तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। खुश तो मैं बहुत हूँ, तेरी काकी को पढ़ना लिखना आ गया है और अब मैं अनपढ़ गवार। तो ये बात है। तो काका, तुम चाहो तो वो अनपढ़ गवार को मैं पढ़ा लिखा बना सकता हूँ। सच सुनो ना, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरी एक विनती है। हाँ हाँ बोलो। मैं भी रामूड़ी की तरह छुप छुप कर पढ़ना चाहता हूँ। समझा, तो इस उम्र में पढ़ते हुए तुम्हें शर्म आती है क्यों? नहीं, शर्म बिल्कुल नहीं आती है, पर क्या है कि रामूड़ी जैसे छुप छुपा कर पढ़ी और फिर मेरे को चौंका दिया, उसी तरह मैं उसको चौंकाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है काका, मैं भी तुम्हें उसी तरह छुप छुपा के पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये रही मेरी पट्टी और ये रही मेरी पेन। सुंदरलाल ने पहले दिन मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया है। बात है खेमू, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस आराम से लेटा। वो तो ठीक है, मगर तू ऐसे चिपके क्यों लेटा है? अरे वो पीठ में खुजली हो रही, खुजली। पत्थर से इस तरह पीठ रगड़ेगा तो पीठ छिल जाएगी, या तो ये पत्थर टूट जाएगा। ला मैं खुजा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, 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 नहीं बंद हो गई, वापस बंद हो गई। सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा हूँ। तो चल लेटा क्यों है, उठ खड़ा हो जाए। फिर सुनो,
कैसे शुरू हो गई है? तो इस पत्थर से पीठ मत रगड़े, ला मैं खुजा देता हूँ तेरे को। नहीं नहीं हो गई हो गई हो गई। कभी खुजली होती है कभी नहीं होती, आखिर ये क्या तमाशा है? तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा? कुछ भी तो नहीं छुपा रहा हूँ मैं तेरे से। तो उठ खड़ा हो जा, मैं कहता हूँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये क्या है? ये मैं हूँ। तू है? मेरा मतलब है ये मेरा नाम है खेमू। किसने लिखा? किसने लिखा? मैंने लिखा है, सुंदरलाल ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया है। ये रही मेरी पट्टी और ये रही मेरी पेन। तो फिर इसे छुपा क्यों रहा था? अरे देख बिकू, जिस तरह तेरी और मेरी दोनों की घरवाली ने छुप छुपा कर पढ़कर हम दोनों को चौंका दिया था, उसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी छुप छुप कर पढ़कर मेरी घरवाली को चौंका दूँ। और हाँ सुन, ये बात तू किसी को बताना मत। मैं क्यों बताऊंगा? अरे अब तो ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। क्या मतलब? मतलब मैं भी तेरी तरह छुप छुप के पढ़ाई करूंगा। अरे तुम मिला इसी बात पर हाथ, चल और चल। देखा जेवला, औरतों को पढ़ते देखकर मर्दों में भी जोश चढ़ने लगा। हाँ वो तो है ही, कोई भी मर्द ये नहीं चाहेगा कि लुगाई के सामने उसकी नाक कटे। तो तू भी पढ़ना लिखना सीख ही ले। मुझे क्या जरूरत है? क्यों, तू बहुत विद्वान है? नहीं, मेरी तो लुगाई ही नहीं है, तो फिर मेरी नाक कटने का सवाल ही नहीं उठता। आज नहीं तो क्या, कभी ना कभी तो तेरी नाक काटने वाली आएगी। ऐसा? तू कब आएगी? धत! धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़क दिमाने हुआ है भैया चमत्कार, जब पढ़ने लगी लुगाई उनको देख के मर्दों ने भी कर दी शुरू। की बात है बतलानी, पढ़ने लिखने में शर्माना लोगो है नादानी, पढ़ने लिखने में शर्माना लोगो है नादानी। भैया सुन लो तुमको एक पते की बात है बतलानी, अरे सुन लो तुमको एक पते की बात है बतलानी, पढ़ने लिखने में शर्माना लोगो है नादानी, पढ़ने लिखने में शर्माना लोगो है नादानी। एक केस 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 ऐसे तो गांव के सारे पत्थर खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गाड़ी 30 से आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? जब तक तुम धक्का नहीं मारोगे हमारी गिनती की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। देखो काका, सिर्फ मेरे धक्का लगाने से तुम्हारी गाड़ी बहुत आगे तक नहीं बढ़ेगी, इसके लिए तुम्हें भी मन लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ खेमू, सुंदरलाल ने सही बताया, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। हाँ सुंदर, मैं जैसे तुम्हारे पास आया था पढ़ने के लिए मन लगा के। हाँ काका, हमारे गांव में भी बहुत सारी गाड़ियां बंद पड़ी हैं, उसको चलाने के लिए धक्का लगाना ही पड़ेगा। अरे हाँ सुंदर, तुमने धक्का लगा लगा के हमारी गिनती की गाड़ी को 30 तक पहुंचा दिया है। अरे काका, एक दिन तुम लाखों की गिनती कर सकोगे। ऐसा? हाँ चलो, एक धक्का और हो जाए। ठीक है। 31 31 32 32 33
तीस तैतीस चौतीस चौतीस। यानी इस तरह तुम्हारे पास पढ़ने वालों की संख्या पांच की हो गई। जी हाँ, बस यूँ समझ लीजिए कि शुरू में मैंने इन पांच लोगों का छोटा सा समूह बनाया और इसके कारण धीरे धीरे पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती गई। अच्छा हाँ, सिर्फ छह ही महीनों में वो पांचों पढ़ने लिखने लगे, उनके जीवन में एक नई रोशनी आई और उन लोगों के कारण गांव वालों को ऐसा लाभ पहुंचा कि वो पढ़ाई की तरफ आने लगे। गांव वालों को क्या लाभ पहुंचा? गांव वालों को ये लाभ भीखू और खेमू के कारण पहुंचा। राम राम पटेल। राम राम। बता अभी क्या के? अभी क्या? चल सोमला, सबसे पहले तेरा ही नाम है। ला, तेरा अंगूठा ला। अरे यहाँ पे लगा यहाँ। ये ले 50 रुपए। हेमो चल अंगूठा लगा। पटेल भाई कलम है क्या? मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, आजकल मैं अंगूठा नहीं लगाता हूँ, दस्तखत करता हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल, अरे तेरे लिए काला अक्षर भेस बराबर है और तू अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करने की बात करता है। ये लो, मेरी बात में शक हो रहा है, लाओ अभी तुम्हारा शक दूर कर देता हूँ, देना। ठीक है ठीक है। ठीक है ना पटेल बा, कुछ गलती हो तो बताना। हाँ ठीक है ठीक है। जरा सा पढ़ना लिखना क्या आ गया है, बहुत बड़ा पंडित समझने लगा अपने आप को। अरे पटेल बा, मुझे लिखना ही नहीं पढ़ना भी आता है। अरे तो मैं क्या करूँ, तुझे पढ़ना लिखना आता है तो ये ले 50 रुपए। ले 50 नहीं पटेल बा, 100 रुपए दो। अरे 100 किस बात के? ये राहत काले के रजिस्टर में लिखे हैं। तुझे जरा सा पढ़ना लिखना क्या आ गया है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा है। पटेल खेमो सच कह रहा है। ये लो दूसरा मूर्ख पंडित भी आ गया। पटेल अब मैं अंगूठा छाप नहीं रहा हूँ, आज मैं भी दस्तखत करके 100 रुपए लूंगा। अरे 100 रुपए किस बात के? देखो पटेल, ये 100, अब तुम ही बताओ कि 200 के 100 होते हैं क्या 50? ठीक है तुम अपनी गणित सिखाने की कोशिश मत करो, अपना पैसा लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो भाइयों तुम लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने अंगूठा तुम्हारा जो है 100 रुपए पर लगवाया होगा, पर देते हैं 50। अरे तुम इन लोगों को भड़का क्यों रहे हो? हाँ हाँ हम भी अब 100 रुपए लेंगे। हम 100 रुपए लेंगे। बाजार निकल गए थे। विपू भाई राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। ये दोनों तो चुपे रुस्तम निकले। अरे इन दोनों के कमाल से तो मैं भी अचंभे में पड़ गई रे। तुम तो क्या पूरा गांव अचंभे में पड़ गया था। तड़वी की सूरत तो देखने जैसी हो गई थी। क्यों ना हो भला, उसको अपन ने पूरे गांव के सामने जो नंगा कर दिया था। देखा जेवला, भीखू और खेमू की पढ़ाई ने क्या कमाल किया। ये विद्या चीज ऐसी है, जिसके पास हो उसके तो वारे न्यारे हो जाते। तू ठीक कहता है। तो दूध
धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़कती मारे डुम धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़कती मारे लोगों से छुपकर भीखू खेमूने की जो पढ़ाई लोगों से छुपकर भीखू खेमूने की जो पढ़ाई उसने सबको चौंका डाला रंग अनोखा लाई भैया रंग अनोखा लाई पटेल सोच रहा है हो पटेल सोच रहा है कैसे उल्टी बही ये गंगा मैं समझा था जिनको कर गए मुझको नंगा भैया कर गए मुझको नंगा खेमू काका आप बताओ शाबाश और ये क्या लिखा है अब बताओ भीखू काका दो बराबर चार दो चार ये है भीखू और कमली का भी क ही होता है एक धन एक बराबर दो काकी का खेत शाबाश आठ नौ दस 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 धुम धमक धुम धुम धमक धुम धुम धड़क दिमारे धुम धमक धुम धुम धमक धुम धुम धड़क दिमारे धुमक धुमक धुम धड़क दिमारे धुमक धुमक धुम धड़क दिमारे शिक्षा रूपी सूरज से मानव की किस्मत चमके विद्या रूपी फूलों से जीवन की बगिया महके हाथों में कलम उठाओ अक्षर की ज्योत जगाओ हाथों में कलम उठाओ अक्षर की ज्योत जगाओ धड़क दिमारे धड़क दिमारे